How to fix Redmi 4 screen brightness issues problem। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है स्क्रीन ब्राइटनेस प्रॉब्लम, ठीक है, स्क्रीन ब्राइटनेस इशू, इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आप दोस्तों यहाँ पर मैनेज करने की कोशिश करते हैं अपने स्क्रीन ब्राइटनेस को, ठीक है, लेकिन मैनेज नहीं हो पाते और आपका स्क्रीन ब्राइटनेस वही की वही सेट हो जाते हैं, ठीक है। अभी चलिए मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बता देता हूँ, जो आप ट्राई कीजिए, प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर से कर देना। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने डिवाइस को रिस्टार्ट कीजिए, चेक कीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद अगर प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो ठीक है, अगर रिस्टार्ट करने के बाद भी प्रॉब्लम फिक्स्ड नहीं हो रहा है तो सेटिंग पर जाइए। सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों आप डिस्प्ले को सेलेक्ट कीजिए। डिस्प्ले सेलेक्ट करने के बाद ब्राइटनेस लेवल पर जाइए। अगर ऑटो ब्राइटनेस ऑन है तो इसको बंद कर दीजिए और आप खुद से यहाँ से ही ब्राइटनेस को एडजस्ट करके देखिए और चेक करके देखिए, काम कर जाएगा, प्रॉब्लम आपका फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है यहाँ पर ब्राइटनेस इशू फिक्स कर सकते हैं। बाई एनी चांस अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी इशू आते तो आप सेटिंग पर जाइए, अबाउट फ़ोन पर क्लिक करें और सिस्टम अपडेट पर जाके अपने मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दें। मोबाइल सॉफ्टवेयर जैसे आप अपडेट करेगा आपका प्रॉब्लम भी फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आप यहाँ पर एडिशनल ब्राइटनेस कंट्रोलर भी ले सकते हैं, उसके लिए आपको प्ले स्टोर की मदद लेना होगा। प्ले स्टोर पर जाइए, ब्राइटनेस कंट्रोलर करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एप्लीकेशन मिलेगा, तो वो आप इंस्टॉल कीजिए और उससे आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और आपका ब्राइटनेस आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो पहले जो एक बार मेरे फ़ोन पर जो है ब्राइटनेस का इशू हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम मैंने ऐसे ही किया था, बस एडिशनल सेटिंग एडिशनल ब्राइटनेस कंट्रोलर लेके मैंने कंट्रोल किया अपने ब्राइटनेस को और मेरा फ़ोन पे जो ब्राइटनेस है वो अच्छे से काम कर रहा था, ठीक है। तो आप भी ये करके देखिए, प्ले स्टोर की मदद लीजिए और आपका प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे करके वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके जो मोबाइल का ब्राइटनेस है उसमें प्रॉब्लम हो गया, तो ऐसा कोई बात नहीं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो पर बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।